अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। तो यार अब किस पे हम बात करें यार। इंडिया ने ऐसा फैटा मारा है, और मुझे तो सॉरी यार, पाकिस्तान ने फैटा यार, वो आदत ही हो गई इंडिया फैट फैट के। अरे अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। तो क्या मैं आपको, पाकिस्तान ने ऐसा फैटा मारा इंडिया को, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम सेलिब्रेट किस तरह करें, क्योंकि हमने कभी ऐसा किया ही नहीं। हम सब अपनी टीम से इतना कहते हैं कि भाई देखो, हारना है ना कम से कम लड़के हार, और अगले ने उनको लड़ने का ही नहीं मौका दिया। यानी कि इतना फैटा मारा है पाकिस्तान ने। बॉलिंग साइड भी हमने उनको खेलने नहीं दिया, मास विराट ने 50 की, और बैटिंग साइड पे तो हमने तो उनको कोई विकेट नहीं लेने दी, मतलब आउट क्लास कर दिया, फिकर ही आउट हमने फाड़ के रख दिया इंडिया को। हमने हर तरफ जश्न का समा, मेरी तरफ से भी मुबारक हो। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें जिताया, इस पे तो किसी को शुभ नहीं होना चाहिए। और इतने कैच थे इंडिया के साथ, तो हमने तो कैच सारे आए, सारे पकड़े, एक भी नहीं छोड़ा। ये वो टीम थी कि इसको अगर कोई तकचा फेंको तो तकचा भी कैच नहीं करते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने बॉलिंग शुरू की, शाहीन अफरीदी यू ब्यूटी यार, इसने जो बॉलिंग की है, रोहित को आउट किया, और उसके बाद जो हार के रखा है उसने राहुल को अंदर बॉल लाते हुए, ओए होए होए होए, से बेहतरीन डिलीवरी कोई नहीं हो सकती। मतलब हम हक्का बक्का हो गए, ये क्या हो गया, 6-2 हो गए हैं, हम तो मैच जीत गए हैं। जो मैच पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया है, ये अब इनकी नस्लें याद रखी। ये कह रहे थे कि टीवी पाकिस्तान में टूटेंगे, बड़ी अड्डे बना रहे थे कि buy 1 get 1 free, कि आपने तो टीवी तोड़ना ही है, और वो मौका मौका के भी बड़ा कह रहे थे। तो देखो इनका तकब्बुर, गुरूर, और फिर इनका जो मीडिया जिस तरह ये बोल रहा था, फिर जिस तरह रिजवान और बाबर ने खेला, ओ कोई कैच का मौका, ये नहीं कि हम ऊंची शॉटें मार रहे हैं वो कैच हो रहे, नहीं, वो एक कैच का मौका ही नहीं दिया, इतनी प्रोफेशनलिज्म से हम बैटिंग कर रहे हैं। के बाद भी अगर हम सौदे ना हो तो फिर क्या, अगर हमारे को सौदे हुई है, और फिर हमारे जो शेखों ने जो फाइनिंग की है अपने घर में, अपनी लाल हवेली पे, उसने लगता है अपने सारे पैसा इधर लगा दिया, उसने अपने सारे ब्याह का, जो उसने ब्याह करना था, ब्याह की खुशी तो नहीं देख पाया। उसके बाद अगला मैच था हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ, ओए होए होए, उसके साथ जो हमने किया है, दोबारा टॉस जीते। अब लोग इस पे कह रहे हैं कि पासिंग, स्पेशली इंडियंस ये कह रहे हैं, और जो पासिंग के हिटर थे वो कह रहे हैं कि टॉस फिक्स है, सिक्का होता है सिक्का, वो दोनों जाने हेड सा, तो उसने उछाला तो बाबर आजम ने हेड कह दिया, और हमने उस टाइम भी हेड्स कहा था, तो हम टॉस जीत गए थे। अब देखो मेरे भाइयों, जो सिक्का होता है ये बनाता है ICC, ये कप्तान ये बनाता। दूसरी बात, उस सिक्के को वो जो मैच रेफरी होता है उसको दिखाया जाता है, हेड तो टेल के करके दोनों कप्तानों को दिखाया जाता है, देखो ये हेड है, ये पड़, ये देखो ये टेल है। फिर हमने टॉस जीता, बाबर आजम किस्मत के धनी निकले, और उसके बाद जो हमने फैटा मारा न्यूजीलैंड को। अच्छा, न्यूजीलैंड के मैच में क्योंकि मारी हो गई थी आदतें खराब, ये आपको मानना पड़ेगा, हम शोधे हो गए थे, हमारी आदतें हो गई थी खराब, हमने सोचा ला शाहीन आ गया, फिर से 2 ओवर में 2 विकेटें, बल्कि हमने सोचा 2 ओवर में 4 विकेटें गिरेंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड को ये पिचेस पे आइडिया नहीं है किस तरह खेलते हैं, ये इस तरह की पिचेस पे वो फेंटा मारना शुरू हो गए। वो तो अल्लाह भला करे, वो हारिस निगेड़े का, हारिस रऊफ का, जिन्होंने वो सांपों की तरह बॉलिंग करा के उन्होंने आउट क्लास कर दिया उन्होंने न्यूजीलैंड को। तो बहुत मुबारक हो आपको, पाकिस्तान ने बदला पुरा लिया। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ न्यूजीलैंड वालों से, कि तुम लोगों ने गलत बंदे से फड्डा कर लिया। मैं गुरूर नहीं कर रहा कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, ये हो ना, हमारी टीम में सिर्फ 2 खेलने वाले, बाबर और रिजवान, वो न्यूजीलैंड के मैच में नहीं खेले, आपको देख लिया सबने कि किसान मर मर के हम मैच जीते। वो तो अल्लाह भला करे आसिफ अली भाई का, जिन्होंने ओ छिक्का ओ छिक्का वो ठा ठा मारना शुरू कर, टीम वर्क नजर आया। इस मैच में भी हमने तकरीबन 5 कैचेस अल्लाह हमें मिले, 5 के 5 पकड़ लिए। न्यूजीलैंड वाले मैच में जो हसन अली भाग के आया था, वो तो मुझे लगा क्या छूट गया, लेकिन पकड़ लिया भाई। क्या कौन सी इनके अंदर घोड़ों की, और पता नहीं किस किस की रूह, कौन से बड़े बड़े खिलाड़ियों की रूह आ गई इनके अंदर, कि ये कैचेस पकड़ रहे हैं, फील्डिंग रोक रहे हैं, ये रन्स रोक रहे हैं, फिर यहां से चौका, और चौका रोक लिया 2 रन, फैबलस। और इस पूरे मैच में जो सबसे बेहतरीन मोमेंट था, वो था कॉनवे का कैच, डेवन कॉनवे का, ओ ओ हफीज भाई अपने तजर्बे से निकले, लाठी वो बल्ला अपना ऊंचा उठाया, और याद में लेके देता हूँ हर फन, किसी को यकीन नहीं था कि कॉनवे वो कैच पकड़ लेगा, क्योंकि एक तो वो भाग के, ऊपर से वो 10 सेकंड तक वो हवा में ठहरा रहा कैच पकड़ने के लिए, 10 सेकंड यार, इतना लंबा हवाओं में सारी, यहाँ से पाकिस्तान का रिजवान रिजू वो हवा में उड़, जब कैच पकड़ता है वो हवाओं में उड़ रहा होता है, डेवन कॉनवे ये जब कैच पकड़ता है हवाओं में उड़ रहा होता है, तो ये तो दो जब हवाओं में उड़ते हैं ना अपनी टीम को जिता दे, तो ये दोनों प्लेयर्स का हवाओं में उड़ना बड़ा जरूरी है। और इमाम वसीम को मैं कहता हूँ यार, इसको बैटिंग ना दो, ही इज अ बॉलर, ही इज नॉट अ बैट्समैन, ये अच्छा बॉलर है, जो बॉलिंग हारिस रऊफ ने किया, 4 विकेटें खा, 4 विकेटें
हासिल किया बायसन खा के, यार ये मुझे इनका करियर बेस्ट है। और हिंदुस्तान के मैच में उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की थी 1/26 करके ना। एक और चीज, सिक्योरिटी, ओए होए होए, मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों ने तो अखीर कर छड़ी है न्यूजीलैंड को, तो खड़ा होने जहाँ जब पासन बैटिंग कर रहे थे तो सारे सिक्योरिटी का नारा लगा रहे थे। ये मैं आपको न्यूज कीवीज वालों को बता दूँ, गोड़ों मेरे प्यारे कीवीज, मेरे प्यारे न्यूजीलैंडर्स, आपने गलत टीम से फटा कर लिया। हमें तो ये पाकिस्तान में लोकली तौर पर अगर कोई एक गाड़ी वाला किसी दूसरे वाले को काटे मार दे तो उसको फिर हम घर तक छोड़ के आते हैं। केन विलियमसन का एक मैंने सुना स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान हैव नो ग्रजेस ऑन न्यूजीलैंड। क्यों भाई, हमें क्यों नहीं ग्रजेस होंगे, हमें होने चाहिए ग्रजेस। मजा आया, बड़ा थ्रिलिंग मैच हुआ, और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला को ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमारी यही दया अच्छी लगती है। इस कौम के ऊपर जब आफत आएगी ये मुझे पुकारेगी, तो इसको थोड़ा सा जरा हिला देते हैं ताकि ये मुझे पुकार। जब पाकिस्तान इंडिया को आया तो वो बाबर आजम के वाले साहब थे, वो भी रो रहे थे। अब जारी बात है, अब आखिर में खुशी तो अपनों को आती है ना, कि अपना जब कोई परफॉर्म करता है अपना कर खुशी मिलती है। तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा, हर दो दो मैच के बाद मैं पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उसको मैं समअप कर दिया करूँगा कि जो जो उस पूरे में सिनेरियो है। तू रहन दे, मैं वापस आ जाता हूँ। पाकिस्तान टू न्यूजीलैंड काम का ही रही हो, कॉल एन एम्बुलेंस बट नॉट फॉर मी। विलिसम की कॉल आई थी, सिक्योरिटी इश्यूज नहीं रहे। अगर आपको मेरी ये क्रिएटर्स की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। तुम जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकन एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका, रब लैब क्या हुक्म है मेरे आका, गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर, इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका, वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे।